اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. मेरी राय मिल करके बैठ जाए फिर वही बात आती है जब वक्त होगा तो जवान लोग इशारा उसके पानी देने का बैठे हैं इसके खासतौर से जो आजाद समूह के साथ चिपक गए हैं उन पर वो सोचते हैं कि अगर हम उठ गए तो हमको तो दोबारा जगह नहीं मिलेगा और इंशाल्लाह बुजुर्गों को मिलेगा थोड़ी देर बाद حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سیرت طیبہ سنتے سنتے آپ حضرات گزشتہ جمعہ آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہو گئی اور آپ کا ایک نئی زندگی ازدواجی زندگی کا آغاز ہونے کو ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کو بھی آپ نے سنا. یہاں تک ہم پہنچے تھے. آگے بڑھنے سے پہلے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو سنائی ہے. یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ہے. ان کا بیان کرتے ہوئے قرآن پاک نے یہ بات فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی بات فرمائی اور کچھ الفاظ بدل کر کے تقریباً سارے نبیوں کے لیے یہی بات ارشاد فرمائی. بات کیا ہے؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اور جب وہ اپنے اشد کو پہنچے سن رشد کو پہنچے بلوغت کو پہنچے قوا کے مضبوط ہونے کو پہنچے قوا جسمانی کے تکمیل کو پہنچ گئے جب انسان کی ظاہری جسمانی تمام طاقتیں جوانی کو پہنچ جاتی ہیں اس عمر کو پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام کے تعلق کی آیت بھی جمع کر لیجئے وہ سب کے سب. اللہ فرماتا ہے اس موقع پر ہم نے ان کو دو نعمتیں دی. آتیناہم حکما وعلما.
एक हमने उनको हुक्म अता फरमाया और दूसरे हमने उनको इल्म अता फरमाया। ये हुक्म और इल्म दो चीज़ें क्या हैं? एक तबका मुफसरीन का कहता है कि हुक्म का माना दानिशमंदी अता की, वो यह हुक्म हिकमत के माना में है, और इल्म का माना उनको इल्म इलाही, इल्म वही से आगाह किया, उन पर वही के नुजूल का आगाज हुआ और मर्जी ये बारी ताला उनको बताई जाने लगी। एक तबके ने कहा कि नहीं, हिकमत अलग है और हुक्म अलग है। उन्होंने कहा कि हुक्म माना में यहाँ हुकूमत के है, लेकिन वो बात कम से कम उनकी जिंदगी के साथ बराह रास्त मुताबकत नहीं खा रही है। एक और तफसीर है कि हुक्म के माना है मर्जी बारी ताला के ऊपर अमल करना, और इल्म के माना है मर्जी बारी ताला को जानना। आसान अल्फाज में अहकाम बारी ताला, परवरदिगार अपने बंदों से क्या चाहता है, इसके जानने का नाम इल्म है, और इस पर इंसान को अमल करने की तौफीक हो जाए तो इसका नाम हुक्म है। अमल करने की तौफीक अता फरमा दी। जब वो अशुद्ध को पहुंचे, उनके कुवा मजबूत हो गए, तो हमने उनको ये दो नियामतें अता फरमाई। तीसरी तफसीर, और जिसका ताल्लुक सहाबा से जुड़ रहा है, दीगर हजरात ने भी वो तफसीर की, वो तफसीर क्या है? इल्म के माना तो वही मर्जी है बारी ताला को जानना, नबुव्वत वाला इल्म, वही वाला इल्म जो इंसान अपने तजर्बे से हासिल नहीं कर सकता है, जो इंसान अपनी जहानत से मालूम नहीं कर सकता है। वो तभी इंसान को मालूम होता है कि जब परवरदिगार बताता है। मसलन ये कि परवरदिगार ने मरने के बाद इंसान के लिए क्या क्या रखा है, जन्नत में क्या है, जहन्नम में क्या है, महशर के मैदान में क्या कुछ होगा, ये इंसान अपनी जहानत से मालूम नहीं कर सकता है। इस सब का नाम इल्म है, जो पुराने अंबियाए किराम को उनकी वही के जरिए से मालूम हुआ, तौरात और इंजील और जबूर के तौर पर मालूम हुआ, और मुझे और आपको और इस उम्मत को कुरान के जरिए से हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मालूम हुआ। ये नियमत अता फरमाई। और हुक्म किसको कहते हैं? कुव्वत फैसला, बर मौका इंसान को क्या फैसला करना चाहिए, ये कुव्वत फैसला अता करता है परवरदिगार अंबियाए किराम को। और ये कुव्वत फैसला, बाप अपने बच्चों के साथ क्या सलूक करें, इस मौके पर इनके लिए क्या फैसला करें, जवान अपनी जवानी के मौके पर क्या फैसला करें, नई जिंदगी का आगाज करना है उसके लिए क्या फैसला करें, ये कुव्वत फैसला परवरदिगार की खास नियामत है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने फरमाया, हमने उनको यही कुव्वत फैसला अता फरमाई थी, वहां अल्फाज फसल अल खिताब, दो टोक बात करना उनको हमने अता फरमाया। और कुरान पाक के अल्फाज को जब हम जोड़ते हैं तो लगता है कि वाकईतन यही कुव्वत फैसला, ये बहुत करीबी तफसीर है इसकी, जो कुरान के सियाक और सबाक से मिलती है। मसलन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, वलम्मा बलगा अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, और जब वो अशुद्ध को पहुंचे, अपनी जवानी को पहुंचे, तो हमने उनको ये दो नियामतें अता फरमाई। वराउदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा, क्या कुव्वत फैसला थी, वो देखो जिसके घर में वो रहते थे, उस औरत ने उनको बरगलाना शुरू किया और सारे दरवाजे बंद करके लास्ट के दरवाजे में, लास्ट के कमरे में पहुंची और उनसे कहने लगी, हाय तलक, पर मौका फैसला किया। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए था इस मौके पर, मगर मैं कर ना सका, मुझे इसका ध्यान नहीं रहा, इस मौके पर अल्लाह याद आना चाहिए था मगर मुझे आया नहीं, क्या बताऊं मेरी बदकिस्मती। क्या कुव्वत फैसला है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ मालूम नहीं कि ये क्या किया जा रहा है, ये सब कुछ क्यों कर रही है। जैसा उसने कहा हाय तलक, उसने कहा आ जा, ये सब कुछ तेरे लिए क्या किया है, अल्लाह बचाए, इन्नहु रब्बी, वो मेरा रब है, मैं उसकी शान में गुस्ताखी करूं। दूसरा फैसला,
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر, بھاگے دروازوں کی طرف. ورنہ آدمی سوچتا ہے کہ میں کوشش کرتا, دوڑ پڑتا دروازے کی طرف, شاید دروازہ کھل جاتا, لیکن کیا بتاؤں میرے دماغ میں نہیں آیا. یہ قوت فیصلہ, دوڑے دروازوں کی طرف اور دروازے کھلتے چلے گئے, اور گیٹ کے اوپر اس کا شوہر ملا, اور اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ ان کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی. ما جزاء من اراد باهلک سوء, کیا سزا ہو اس انسان کی جو تیری گھر والی کے ساتھ برا سلوک کرنے کا ارادہ کرے. قال ہی راودتنی, کہا نہیں نہیں اسی نے مجھے بہکایا, یہی سب کچھ کر رہی ہے. اس سے پتا چلا ہے قوت فیصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی دیکھیے, وہاں بھی ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما, وہاں الفاظ ذرا تھوڑے بدلے. جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام اپنے اشد کو پہنچے, ہم نے ان کو یہی علم اور قوت فیصلہ عطا فرمایا. اور اس کے فوراً بعد کیا قصہ ہوا, فرمایا وہ واقعہ یاد کرو جب وہ شہر میں داخل ہوئے, حین غفلت من اہلھا, جبکہ شہر والوں پر غفلت طاری تھی. اکثر نے کہا کہ دوپہر کا وقت تھا, لوگ سوئے ہوئے تھے, اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اور فرعونیوں کا ایک آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ انہوں نے محسوس کیا کہ ضرور اس بیچارے مظلوم کو ستایا جا رہا ہوگا. فاستغاثہ الذی, اچانک دیکھا کہ وہ جو بنی اسرائیلی ہے اس نے شکایت کی, حضور یہ مجھے تنگ کر رہا ہے, اتنا بڑا بوجھ مجھ کو کہتا ہے کہ اٹھا, مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے, کچھ پیسے نہیں دے گا, کچھ مزدوری نہیں دے گا, میں تو اپنے کام کے لیے نکلا تھا, یہ بھگار کے طور پر مجھے کہتا ہے کہ اٹھا اور میرے اوپر زبردستی لاد رہا ہے, میں اٹھا نہیں پا رہا ہوں, خدا کے لیے میری مدد کیجیے. فوقظ موسیٰ فقضى علیہ, بر موقع فیصلہ کیا کہ تو دوسروں کو تنگ کرتا ہے, اور وقظ موسیٰ, ہلکا سا یوں مارا اس کو, ایسا مارا, کیا کرتا ہے تو لوگوں کو تنگ کرتا ہے. فقضى علیہ, اس کے اوپر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھوسا, انہوں تو ہلکا سا مارا ذرا اس کو ڈرانے کے لیے, فقضى علیہ, وہیں اس کا کام تمام ہو گیا. اس سے بڑھ کر قوت فیصلہ, دوسرے دن دیکھا وہی اسرائیلی کسی اور کی شکایت کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اب بھی معلوم کیا کہ یہ بیچارہ ہے مظلوم, لیکن پہلے اس کو سمجھایا کہ تم کیا کام کرتے ہو, خامخواہ لڑائیاں کرتے ہو, آپ کو معلوم نہیں ہماری حیثیت کیا ہے, فرعون ظالم کے سامنے ہم ایک غلام قوم کی طرح رہتے ہیں, تمہیں برداشت کرنا چاہیے, اور اس کو سمجھا رہے تھے, لیکن اس دوسرے کو تھپڑ مارنے کا ارادہ تھا. اس نے سوچا کہ شاید مجھے ماریں گے, اور کل والے کا انجام دیکھا تھا کہ اس کو گھونسے نے کیا کیا تھا. اس نے کہا موسیٰ اتورید ان تقتلنی, کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں, اس کو بچانا چاہتے تھے. اسی نے وہ شکایت کر دی کل والی. ادھر پولیس پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی قاتل کو کہ کل کس نے قتل کیا. اس نے کہا کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, کما قتل تنفسا بالامس, جیسا کہ تو نے کل ایک آدمی کو قتل کیا. پر موقع موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا, اب مجھے کیا کرنا چاہیے, ابھی ارادہ ہی کر رہے تھے. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى, ادھر سے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا ان الملا یعتمرون, بے شک سردار لوگ فیصلہ مشورہ کر رہے ہیں آپ کے قتل کرنے کا. فخرج, بھاگو یہاں سے, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, نکلو یہاں سے. موسیٰ علیہ السلام نے بر موقع فیصلہ کیا, یہاں سے بھاگنا شروع کیا مدین کی طرف, اور تقریباً 500 کلومیٹر مسلسل دوڑتے چلے گئے. اللہ اکبر, 500 کلومیٹر کے بعد ولما ورد ماء مدین, جب مدین کے کنویں پر اترے, وہاں فیصلہ کیا, مظلوم بچیاں تھیں ان کی مدد کی, اور ان کی مدد کرنے کے بعد جب پیچھے ہٹے اور سائے میں بیٹھے, قال ربی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار اب جو بھی تو عطا کر دے میں تیرا بڑا محتاج ہوں, اتنے دن ہو گئے دوڑ رہا ہوں, ایک ہفتہ ہو گیا بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے. یہ قوت فیصلہ. میں نے اس آیت کو سنایا, میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رشد کو پہنچے, تو آپ نے کیا قوت فیصلہ کیا, اور آپ نے کیسے فیصلے فرمائے, اور انسانیت کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے. میں نے تھوڑا سا عرض کیا, آپ کی وہ حیثیت جو خاندانی حیثیت, جو اخلاقی حیثیت, جو آپ کے کردار کی حیثیت ہے, وہ آپ سامنے رکھیے, آپ دیکھیے کہ پورا عرب
बेताब है कि किसी तरह हमारे यहाँ इनका रिश्ता हो जाए, ये हमारे रिश्ते को कबूल कर लें। लेकिन हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका रिश्ता कबूल किया? उस औरत का जिसका शोहर दो मरतबा मर चुका है। एक शोहर मरा, दूसरे से निकाह किया, दूसरा भी मरा, दो मरतबा बेवा हो चुकी है। क्यों? आपने अपनी बेवा वालदा को देखा था, आपने देखा बेवा पर क्या गुजरती है, हमें क्या बुरा था जो मरना एक बार होता है। जीते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती है। हाय हाय, बेवा तो इस आरजू में जीती है, काश के मुझे मौत आ जाए। और कितनी बार तो बेचारी मरती है, क्या क्या ताने बर्दाश्त करती है, क्या क्या आवाजें बर्दाश्त करती है। वो अपने घर वापस आती है, उसके साथ उसकी भावज क्या करती है, घर की जो उसके भाइयों की बीवियां हैं वो उसके साथ क्या सलूक करती हैं, वो उस हदीस से महसूस करो जिसमें आपने फरमाया कि वो शख्स जिसका वालिद चला गया और उसकी बहन यतीम थी और उसकी बहन को तलाक हो गई, फरुद्दत नहीं ही वो उसकी तरफ पलट कर आ गई और उसने उसको, यानी उसको तलाक हो गई, उसने उसको बोझ नहीं समझा और उसको बहन की हैसियत दी। फरमाया वो और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे मेरे हाथ की ये दो उंगली। ये बेवा पर क्या गुजरती है, आपको मालूम था, आपने इस बेवा से निकाह किया और उसके पीछे कुछ वाकयात भी पेश आए, वो सबको मालूम है। क्या हुआ कि खदीजा एक बहुत मालदार औरत है, अल्लाह ने उसको इतना माल दिया है, पूरे मक्का वालों का माल एक तरफ है और उसका माल एक तरफ, उसका माल बढ़ जाता है। उसको जरूरत है किसी ऐसे इंसान की जो शराकत में कारोबार कर सके, जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर सके, जो मुजारबत पर कारोबार कर सके। उनको इन हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया जाता है और मक्का के अंदर आपकी ऐसी शोहरत है कि जैसे आपका नाम लिया जाए सबको मालूम है कि सबसे सच्चा कौन है। सुनती हूँ कि है भी वैसे। हाय हाय, और जब मिस्रा वापस आया इस रास्ते में, वो है एक वाक्य तो वही वापस आया, कौन सा? पिछले सफर में एक राहिब से मुलाकात हुई जिसने आपको रास्ते से वापस किया था, इस मरतबा फिर एक राहिब से मुलाकात हुई, नस्तूरा नाम उसका, उसने फिर वो पुरानी बातें दोहराई कि ये तो वही शख्स है जिसके लिए आज सारी कायनात मुंतजर है। अल्लाह हू अकबर। अब जो वापस आए मैसरा, हजरत खदीजा ने पूछा कैसा पाया? रिवायत में आता है कि मैसरा की जबान बोल बोल के सूख जाती थी, थक जाती थी, लेकिन हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां मुकम्मल नहीं होती थी। हाय हाय, किसी अरबी शायर ने कहा, मैं जब तुझे देखता हूँ मेरी निगाहें देख देख करके थक जाती हैं, मगर जितना तुझे देखता हूँ इतना तेरा जमाल बढ़ता रहता है, इतना तेरा हुस्न बढ़ता रहता है। मैसरा बेचारा क्या करेगा, क्या बयान कर सकेगा? जिसकी खूबी को, जिसके किरदार को खुद हक जल्ला मजदूहू ने, परवरदिगार ने बयान कर दिया, उसको मैसरा क्या बेचारा बयान कर सकता है। शेख अब्दुल हक मुहदीस देहलवी ने क्या अजीब बात कही थी, उन्होंने क्या कहा है? कहा हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तारीफ के मोहताज नहीं है, खुदा पर हम, खुदा पर मुस्तफा पर चश्मे सनाए मानेस्त, हमारी इंतजार में नहीं है कि हम अल्लाह की तारीफ करें या हम हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करें। कहा क्यों? इसलिए कि खुदा हामिद मोहम्मद मुस्तफा, बस जितनी अल्लाह के हबीब की तारीफ हो सकती थी वो अल्लाह खुद कर चुका है, अब बंदे क्या तारीफ करें। मोहम्मद हामिद हमदे खुदा बस, और खुदा मदह आफरी मुस्तफा बस, और अल्लाह की जो तारीफ हो सकती है वो हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कर चुके हैं कि कायनात उसका तसव्वुर नहीं कर सकती। और आपकी तारीफ जो अल्लाह ने कर दी है, अब इंसान उसका कोई तसव्वुर कर सकता है? हसन इब्न साबित ने कोशिश की, क्या कहा? अहसन मिन कलम तलकत आईनी व अहसन मिन कलम तलिद निसा, आपसे हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, इसलिए कि आपसे हसीन आदम की औलाद में किसी औरत ने जन्म ही नहीं। लेकिन आखिर में क्या कहा? बस मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, मैं इतना कहता हूं, खुलिक्त मुबर्रा मिन कुल आईबिन, आपको हर ऐब से पाक पैदा किया गया। कैसा पाक पैदा किया गया? फरमाया हर एक को अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा, वो है तुम्हारा मालिक
जो तुम्हारी शक्लें बनाता है तुम्हारी मां के रहम में जैसा वो चाहता है, लेकिन आपको कैसा पैदा किया? कान का कद खुलिक था कम आता शाह, आपको ऐसा पैदा किया जैसा आप चाहते थे। गोया आंख आपकी कैसे बने आपसे पूछा गया, नाक आपकी कैसे बने आपसे पूछा गया, होंठ आपके कैसे बने आपसे पूछा गया। और सैयद ताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जबान में फरमाया, कई मर्तबा कुम्हार से कुछ ऐसे हसीन बर्तन बन जाते हैं कि फिर वो सांचू को तोड़ देता है कि कहीं दूसरा ऐसा बर्तन ना बन जाए। मुझको ये कहने दीजिए, शाह साहब फरमाते थे कि जिस सांचे में तस्वीर मुस्तफा को बनाया गया उस सांचे को ही तोड़ दिया गया। तो मैसरा बेचारा क्या बयान करता, उसने जब खदीजतुल कुबरा से बयान किया, खदीजतुल कुबरा ने निकाह का पैगाम दिया, हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया, आप चाहें तो शाहों के यहां कर सकते हैं, आप चाहें तो कहीं भी निकाह कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बेवा का दिल रखा। क्यों? इसलिए कि बेवा को दुनिया में मनहूस समझा जाता था, गुलाम को मनहूस समझा जाता था, बंजर जमीन को मनहूस समझा जाता था। आज मक्का की बंजर जमीन को आपके जरिए से सरसावी और शादाबी के ऊपर फजीलत हासिल हो गई और कोई जमीन उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। बेवा को मनहूस समझा जाता था, आज बेवा को मकाम मिला जो किसी कुंवारी को नहीं मिल सकता है, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। लेकिन एक और मंजर भी देखिए, खदीजतुल कुबरा सबसे मालदार औरत है और रिवायात में आता है कि आपके निकाह तक आप अपने घर में थे, दौलत कदा पर थे, लेकिन निकाह के बाद आपके लिए हजरत खदीजतुल कुबरा ने एक मकान हिबत किया, आपको आपको गिफ्ट दिया, आपने उसको कबूल फरमा लिया, उसमें रिहायश आपने रखी कुछ दिन। लेकिन अल्लाह अकबर, अब आपके लिए हालात बने हैं और अल्लाह भी कह रहा है अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या आप अल्लाह ने आपको यतीम पैदा करके मकाम नहीं दिया? वो वजदक आइलन फागना, अल्लाह ने आपको गरीब घर में पैदा किया और फिर आपको मक्का का सबसे बड़ा मालदार बना दिया। लेकिन हाय, ये मालदार क्यों बनाया? इंसानों को दिखाना है मालदार कहाँ नजर आते हैं, फिरौनों की कोठियों में, कारूनों की कोठियों में पैसे गिनते हुए नजर आते हैं। आज जब आपको सबसे ज्यादा मक्का की मालदारी मिल चुकी है, सब कुछ आपके कदमों में निछावर हो चुका है, तमाम दर रिवायात को जमा कीजिए, उसके बाद आप कारों में नजर आते हैं, आप पहाड़ों में नजर आते हैं, आप बिस्तर पर नजर नहीं आते। उन्होंने कोठी वक्फ की है आपके लिए, आपको हिबा दी है, आपको गिफ्ट दिया है, लेकिन और आपने कबूल भी फरमाई, लेकिन अब आप नरम बिस्तरे में नहीं मिलते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका से पूछिए, फरमाया क्या हुआ फिर? फिर हुब्बि इलैहिल खला, आपको तन्हा रहना पसंद हो गया। शादी के बाद इंसान तो चाहता है अंजुमन में रहे, लेकिन आपको तन्हाई पसंद हुई और जितना जितना नबूवत की तरफ, ऐलान नबूवत की तरफ बढ़ते जा रहे थे, इतना आपकी तन्हाई की मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा था। यहां तक कि नबूवत से पहले तो तकरीबन ऐसा लगता है कि 3 साल तो मुकम्मल आपने गारे हिरा के अंदर एतकाफ फरमाया और आखिरी 6 महीना तकरीबन पूरे 6 महीने गारे हिरा में रहे। अल्लाह, बीच बीच में आए, ज्यादातर हिस्सा गारे हिरा में। गारे हिरा किसका नाम है? कभी अल्लाह ताला आपको ले जाए वहां, और जाने वाले देखेंगे कितनी मुशक्कत वाली, पहाड़ की एक चोटी, संगलाख पहाड़, बिल्कुल खुश पहाड़, उसकी चोटी के ऊपर, चोटी से फिर नीचे उतरिए, तू मिले हुए दो पहाड़ों के बीच में गार बनती है। और ये गार, गार कहने को गार है, असल में वो पहाड़ियों मिल गए हैं। इधर से आदमी दाखिल होता है और उधर सीधा खाना काबा पर नजर पड़ती है। अब इसके बीच में बिल्डिंगें हायल हो गई हैं, लेकिन अगर आदमी दूरबीन से देखे तो वो महसूस कर सकता है कि अगर इन बिल्डिंगों को हटा दिया जाए तो सीधी खाना काबा पर निगाह पड़ती है। और आपने कैसी वो कुव्वत फैसला अल्लाह ने आपको अता फरमाई, 25 साल की उम्र में निकाह किया और फिर आपने तन्हाई को तरजीह दी और ज्यादातर वक्त आपका तन्हाई में गुजरता है। और फिर उस कुव्वत फैसला ने क्या किया, ये जो चंद वाक्यात आपकी सीरत के किताबों में मिल जाते हैं, क्या यही वाकयात हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये चंद वाकयात महफूज किए गए, किसने महफूज किए? इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून,
जिसने कुरान उतारा और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली, उसी ने आपकी सीरत के इन पहलुओं को महफूज कर दिया। वरना इंसान के बस में था कि महफूज किया जाए। क्या है आपका फैसला? आपकी उम्र 35 साल की हुई, मक्का में एक जबरदस्त कोहराम मचने वाला है। किस बात के ऊपर? मक्का वालों ने फैसला किया कि खाना काबा की असर नो तामीर की जाए। बहुत पहले से उसकी तामीर चली आ रही है, बहुत अरसे से तामीर नहीं हुई है, और चूंकि खाना काबा नशेब में है तो मुसलसल सैलाब के गुजरने की वजह से उसकी दीवारें कमजोर हो गई हैं। और एक ऐसा शख्स जिसको बाद में ईमान नहीं नसीब हुआ, यह भी अल्लाह की शान है, उस आदमी को जहन में आया, उसने कहा कि अभी तक खाना काबा की छत नहीं है, बगैर छत के खाली दीवारें हैं, हमें इस पर छत भी डालनी चाहिए। और वो इत्तेफाक से जद्दा गया और वहां एक साहिल पर टूटा हुआ जहाज मौजूद था, तो उसने अभी मशवरे के बगैर ही सबसे पहले अपने तौर पर इस जहाज का सारा मलबा खरीद लिया और एक रूमी मिस्त्री को भी ले लिया मशवरे के लिए, या आज की जबान में कहिए इंजीनियर को भी ले लिया कि हम इस तरह बनाना चाहते हैं, तेरा क्या तजर्बा है? उसने कहा मैं इसका बड़ा माहिर हूं। कहा तू भी चल। और फिर मशवरा किया और फिर वो सारा माल खाना काबा की छत के लिए मुश्तरक चंदे से खरीद लिया गया और खाना काबा बनने लगा। और आपको मालूम है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद और दूसरे जो कबाइल आकर के खाना काबा के गिर्द बसते थे, उनके यहां मक्का के अंदर अगर कोई चीज बड़ाई की है कि हमारा बड़ा नाम है, वो सिर्फ खाना काबा की खिदमत है, उसके अलावा कोई चीज नहीं। जिस आदमी को ये खिदमत मिलती है कि वो खाना काबा की चाबी उठाए, वो सबसे बड़ा आदमी माना जाता है। जिसको ये खिदमत मिलती है कि वो हाजियों को पानी पिलाए, वो बहुत बड़ा आदमी माना जाता है। जिसको ये खिदमत मिलती है कि वो हाजियों को सत्तू घोल करके कुछ शरबत पिला दे, वो सबसे बड़ा आदमी माना जाता है। और जिसको खाना काबा में झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए, वो कितना बड़ा आदमी माना जाता है। ये उनके यहाँ कुछ बड़े ओहदे हैं, इन्हीं से उनकी पहचान होती है कि फुला खानदान का ये मकाम है, फुला खानदान का ये मर्तबा है। खाना काबा की तामीर कैसे हो? उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ, वलीद इब्न मुगीरा ने फैसला किया, उसने कहा कि फला जगह से फला जगह तक फला कबीला तामीर करेगा, फला जगह से फला जगह तक फला कबीला तामीर करेगा, और खास तौर से जो काबा के दरवाजे का हिस्सा है वो बनू हाशिम के हिस्से में आएगा। राजी हो गए सब इसके ऊपर, खाना काबा तामीर होने लगा। और एक दिलचस्प बात बताऊं, क्या अल्लाह की शान है, अल्लाह ने अपने घर को बनाना है और ये मुशरिक लोग हैं, जाहिल हैं, कुछ इनके पास इल्म नहीं है, लेकिन इतनी दानिश अभी तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में से इनके दिमाग में मौजूद है कि खाना काबा में कोई नाजायज पैसा नहीं लगाया जा सकता। चुनाचे चंदा किया गया और एस्टिमेट बनाया गया कि कितना खर्चा आता है। चंदा कम हुआ, एस्टिमेट ज्यादा बन रहा था, तो लोगों के पास कुछ पैसा था जो नाजायज था। और उनकी जबान में नाजायज पैसा कौन था? सिर्फ तीन किस्म के पैसे। एक वो जो रंडियों की कमाई से कमाया जाता था, बदकारी की कमाई से, और दूसरा वो जो सूद की कमाई से, वो भी समझते थे कि सूद की कमाई अच्छी नहीं है, और तीसरा वो माल जो लूट मार का माल होता था, वो भी समझते थे कि अच्छा माल नहीं है। मशवरा हुआ कि खाना काबा अगर पूरा बनाए तो फिर ये माल लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक हिस्सा छोड़ दो मगर गंदे माल को नहीं लगाएंगे। और ये तामीर होते होते तकरीबन इंसान के कांधे के करीब पहुंच गई और वो मौका आ गया कि जहां हजरे अस्वद को रखना है और इससे बढ़कर के कोई मर्तबा और मकाम नहीं है, तो हजरे अस्वद रखने का नंबर आया, कौन रखे? बनू हाशिम ने कहा हम रखेंगे, इसलिए कि मक्के की खाना काबा की तवल्लियत, इसका मुतवल्ली होना, यह ओहदा हमारे पास है। दूसरों ने कहा अच्छा तुम्हारे बाप के पास है, हम नहीं रखने देंगे। इसके ऊपर तीसरा कबीला उठा, चौथा कबीला उठा, और लोगों में इतनी ठन गई कि उनके यहां जब किसी बात पर कसम खाते थे कि मर जाएंगे पीछे नहीं हटेंगे, तो उसके लिए वो जानवर जिबा करते थे और उसके खून में अपने हाथ रंगते थे, अपना हाथ डबोते थे, और वो कहते थे कि खून की नदियां बहा देंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे। दो कबीलों ने, बनू कैस और बनू ज़ुहरा ने, खून के अंदर अपने हाथ रंग लिए और कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी मगर किसी को पत्थर नहीं लगाने देंगे। एक बूढ़ा उठा, उसने कहा कुछ तो अकल से काम लो, एक काले पत्थर के लिए
تم سرخ خون کی ندیاں بہاؤ گے اور مر لڑ لڑ کے مر جاؤ گے, کچھ تو عقل سے کام لو. لوگوں نے کہا کیا کریں؟ کہا مشاورت کرو, کوئی حل نکالو. آخر اس بات کے اوپر فیصلہ ہوا کہ جو کل داخل ہوگا سب سے پہلے خانہ کعبہ میں وہی ہمارا فیصلہ کرے گا, اور جو سب سے پہلے داخل ہوگا ہوگا کیا داخل؟ جس کو اللہ داخل کرے گا. اور دوسرے دن جس کو داخل کرنا تھا اللہ نے, وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ نے یہ واقعہ کیوں محفوظ کیا؟ پورے مکہ نے چیخ کر کے کہا ھذا الامیر الصادق رضینا بہ, یہ سچا بھی ہے, یہ امانت دار بھی ہے, جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس پر راضی ہوں گے. یہ مقام اور مرتبہ آپ کو حاصل ہو چکا ہے 35 سال کی عمر میں, پورا مکہ آپ کے فیصلے کے اوپر راضی ہے. اور اب دوبارہ اس آیت کو پڑھیے, آتیناہ حکما علما, اللہ نے علم بھی عطا فرمایا اور قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی. آپ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا بڑی چادر لاؤ. بڑی چادر لائی گئی, مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر پتھر اس میں رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار آ جائے. ہر قبیلے کا سردار آیا اور اس نے اٹھایا, کہا کہ ہر ایک سردار کنارے سے چادر کو پکڑ لے, اور پکڑا اور چادر کو اٹھانا شروع کیا. فرمایا کسی ایک نے اٹھایا کہ سب نے؟ کہا سب نے اٹھایا. کہا سب کا مرتبہ بلند ہو گیا؟ کہا سب کا ہو گیا. فرمایا اب میں اس کو رکھ دیتا ہوں. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے کیوں رکھا. یہ مرتبہ اور یہ مقام صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہر نبی کو ایک مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے, یہ الگ بات ہے. آنچ خوب ہمدارن تو تنہا داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بے زداری. حضرت یوسف کا حسن بھی آپ کو دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی آپ کو ملے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی آپ کو ملے. آنچ خوب ہمدارن تو تنہا داری, جو سارے نبیوں کو الگ الگ ملا وہ تجھے اکٹھا کر کے دے دیا. بات ادھوری رہتی, وقت پورا ہو جاتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کا اپنا پروگرام معلوم ہے, آپ تو کل کو پروگرام آ گیا ہے یاد سب کو انشاءاللہ. کل کا دن کس کے لیے ہے؟ مستورات کے لیے ہے انشاءاللہ. ہر گھر کوشش کرے, اگر اپنے گھر کو جنت نشاں بنانا چاہتا ہے, اگر گھر کو امن و آشتی کا گہوارہ اور سکون اور چین کا خلد اور گلستان بنانا چاہتا ہے, اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی مستورات کو دین کی طرف راغب کریں. اور یہ بہترین موقع ہے, آپ مستورات کو بھیجیں. تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہوگی, پہلے میں نے 10 بجے سے کہا تھا 1 بجے تک, اب یہ وقت تھوڑا آگے ہو گیا ہے, یہ 11 بجے سے لے کے انشاءاللہ 1:30 بجے تک چلے گا. اور میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں, بڑے جھٹکے لگے اس کے بیچ میں. 4 دن پہلے مولانا کا فون آیا, طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے میں سارے پروگرام چھوڑ کر کے واپس جا رہا ہوں بمبئی, اور بالکل انکار کر دیا. لیکن آپ لوگوں میں سے کسی نے اخلاص سے دعا کی ہوگی تو کل اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی, تو فوراً خود ہی فرمایا کہ بھائی میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو رہی ہے, آپ لوگ دوبارہ ہمت کرو, انشاءاللہ میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. آپ دعا کیجئے اللہ اپنی بارگاہ میں اس کوشش کو قبول فرمائے, اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں کوئی انقلاب لانے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کی دعوت کو اور عام کرے, جتنا دعوت دے سکیں. اب آپ کے پاس 24 گھنٹے خوب دعوت دیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.